हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनिक मिठाई, जिसे कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, इस मिठाई में मिठाई का भी स्वाद है और आपको इसमें एक एक का स्वाद भी मिलेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, इसे खाने के बाद आप केक पेस्ट्री हमेशा के लिए भूल जाएंगे और घर पर इसी मिठाई को बनाकर खाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है खाली, और पैन में डालेंगे हम चीनी, क्योंकि सबसे पहले हमें बनानी है चाशनी। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपको चाशनी का किस तरह और कैसे यूज़ करना है। और अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। मैं अपनी चाशनी को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी अच्छे से बॉईल हो रही है। मैं इसे हिला देती हूँ, क्योंकि आपको इसे ना तो एक तार की बनाना है और ना ही दो तार की बनाना है, सिर्फ आपको इसे हल्का चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करनी है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी काफ़ी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है। अब हम इसे हिला देंगे ताकि नीचे की तरफ जो चीनी जमी हुई हो वो भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। और फ्रेंड्स, फिर हम इसे चेक करेंगे, हम थोड़ा सा इसे मस लेंगे और देखेंगे कि एक तार की या चिपचिपी बनी हुई है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये चिपचिपी बनकर तैयार हो चुकी हैं। आपको इसी प्रकार की इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे एक खाली कटोरी में निकाल लूँगी। तो देखिए, मैं इस चाशनी को अपनी इस कटोरी में निकाल लेती हूँ। आप अगर इसे छानना चाहो तो छान भी सकते, लेकिन मेरे को ये बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने इसे इसी प्रकार एक साइड में रख दिया है। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे खाली कढ़ाई। और फ्रेंड्स, अब कढ़ाई में हमें डालनी है यह है सूजी। तो देखिए, मैंने एक कटोरी सूजी ली हुई है, यह कटोरी बिल्कुल भरी नहीं है, तो ये थोड़ी हाफ में से थोड़ी सी ज़्यादा है। ये सूजी मैं इसमें डाल लूँगी और अच्छे से इसे हिला लूँगी। और फ्रेंड्स, आपको इसे हल्का हल्का रोस्ट करना है, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। आपको बिल्कुल इसकी इसे ब्राउन कलर का नहीं करना है, आपको इसके सिर्फ कच्चापन निकालना है इसका। तो धीरे धीरे मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी, इसे थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। फ्रेंड्स, रोस्ट भी आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना है, इसे 3 से 4 मिनट तक आपको इसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर करोगे तो यह ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो बस आपको इसका कच्चापन निकालना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी हल्की रोस्ट हो चुकी है। आपको इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, यह जिस प्रकार की है वैसे ही आपको रखना है। आपको 1 से 5 मिनट तक इसे रोस्ट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी सूजी बिल्कुल अब भी सफ़ेद है, बस हमने इसका कच्चापन अलग किया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, मैं इस तरह की थाली में इसे निकाल लेती हूँ, और कढ़ाई को हम फिर से अपनी गैस पर रख लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम दूध। तो फ्रेंड्स, दूध का आपको मेजरमेंट कटोरी जितना आपने आप सूजी ली थी उतना ही डबल दूध लेना है। तो देखिए, मैंने जिस कटोरी से मैंने सूजी का नाप लिया था उसी कटोरी से मैं दूध का नाप ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने 2 कटोरी दूध ले लिया है, सूजी से हमें डबल दूध लेना है। और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। दूध आपको किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, बॉइल्ड भी ले सकते हैं या फिर रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसे गर्म करना है। अगर रॉ मिल्क होगा तो भी यह बॉईल होने के बाद पक जाएगा। तो देखिए, इसी कंडीशन में मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। तो देखिए, मैंने ये चीनी डाल दी है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम धीरे धीरे अपनी दूध को बॉईल होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध हल्का गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी सूजी। सूजी को आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि हमारी इसमें लम्स ना बने। और आपको धीरे धीरे डालनी है और हिलानी है, साथ के साथ आप इसे हिलाते जाएंगी और इसमें लम्स बिल्कुल ना होने दें। थोड़ी थोड़ी डालिएगा, एकदम से मत डालिएगा, अगर एकदम आप डालेंगे तो इसमें लम्स हो सकते हैं। मैंने अपनी सारी सूजी इसमें डाल ली है, और अब आप इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना है। तो देखिए, यह आपका सूजी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है, आप देख सकते हो। अभी इसकी कंडीशन थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन ठंडी होने के बाद काफ़ी टाइट हो जाएगी ये। तो थोड़ा सा इसमें फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेस। आपके पास केवड़ा एसेस हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये मैं इसमें वनीला एसेस डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कीजिएगा। तो देखिए, आप इसी कंडीशन में इसे रहने देंगे, जिस कंडीशन में आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी यह है सूजी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे डालेंगे अपनी थाली में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी थाली को चिकना कर लूँगी, ताकि ये नीचे की तरफ चिपके नहीं। और फ्रेंड्स, आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको
जो भी आप बर्तन लें वो थोड़ा गहरा लें, ताकि इसमें आप एक परत के बाद दूसरी परत भी आराम से लगा सकें। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा चिकनाई के लिए घी डाल दिया है। फ्रेंड्स यह है मिठाई, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली मिठाई है। अब हम इसे डाल लेंगे अपनी थाली में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यह है इसके अंदर जा रही हैं। और अब हम इसे अच्छे से चारों तरफ फैला लेंगे बिल्कुल पतली पतली परत में, क्योंकि हमें एक परत इसके ऊपर और भी लगानी है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको कौन सी परत और कैसी लगानी है। धीरे धीरे हम चारों तरफ से इसे एक जैसी बनाकर इसके इसे चारों तरफ फैला देंगे। फ्रेंड्स यह बिल्कुल मुँह में घुलने वाली मिठाई है। इसे आपने एक बार खा लिया तो आप बार बार खाएंगे। यकीन का हनु इसने पढ़ सुन लेना ध्यान था और बता दिए मेरे तक कस्टर्ड कस्टर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे थाली में फैला लिया है और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था। अब ये अच्छे से हमारी सूजी अच्छे से इसमें जम चुकी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम के अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो आइए अब मैं इसके ऊपर डालूंगी व्हिप क्रीम। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैं इसके ऊपर व्हिप क्रीम डाल रही हूँ और इसे अच्छे से इसे गार्निश कर लूँगी। अगर आपको व्हिप क्रीम की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो देखिए अब इसे इस पर अच्छी सी परत बना लूँगी मैं। फ्रेंड्स व्हिप क्रीम अगर आप बनाना चाहो तो आप मलाई से या ताज़ी मलाई है या फिर आप अमूल का जो फ्रेश क्रीम आती है उससे बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी व्हिप क्रीम चारों तरफ अपनी थाली पर फैला ली है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये डेजर्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अपनी मिठाई के ऊपर चारों तरफ चॉकलेट स्प्रिंकल डाल लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी मिठाई को चारों तरफ से गार्निश कर लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो या फिर आपके पास चॉकलेट स्प्रिंकल या फिर चेरी हो तो उससे आप इसे सजा लीजिएगा। मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा पिस्ता। तो देखिए हल्का हल्का हम इसके ऊपर पिस्ता डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने गार्निश के लिए इसके ऊपर पिस्ता डाल दिया है और ये धीरे धीरे मैं इसके ऊपर बादाम। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे गार्निश कर लिया है और अब हम इसे आपको बीच में से कट करके दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे बीच में से कट कर लिया है और अब मैं आपको एक पीस इसमें से निकाल के दिखाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए आप देख सकते हैं डबल लेयर का कितना बढ़िया और कितना अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स यह है मुँह में घुलने वाली मिठाई बनकर तैयार हो चुके हैं। यह एक बार आप खाओगे तो बार बार खाओगे। फ्रेंड्स यह केक पेस्ट्री और सभी मिठाइयों को मात देती हैं। इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो मैंने चाशनी बनाई थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको इसमें से वन पीस तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मुंह में घुलने वाली कितनी स्वादिष्ट और मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो देखिए आप देख सकते हो कलरफुल और कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगली न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।